हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत। पिछले दिनों एक आईबीपीएस क्लर्क की लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपसे शेयर की थी, और उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों के काफी एस्पिरेंट्स के कमेंट्स से मुझे मिले कि आईबीपीएस पीओ की भी लेटेस्ट सैलरी स्लिप शेयर करें। तो आज का सेशन उसी को लेके है, लेकिन सेशन शुरू करें उससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी एक दो चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी आप सैलरी स्लिप देखेंगे वो एक अपने चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, जिनका लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था और उन्होंने केनरा बैंक एज ए पीओ ज्वाइन किया था। तो वो अभी प्रोबेशन पीरियड में है, उनके कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा है, और प्रोबेशन पीरियड में काफी चीजें हैं जो आपको नहीं मिलती, जैसे पेट्रोल एक्सपेंसेस नहीं मिलते, आपके जो न्यूज़पेपर अलाउंस है वो नहीं मिलता आपको, और भी जो लॉन्ड्री अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इस तरह के छोटे छोटे जो दूसरे पर्क्स आपको मिलते हैं वो इसमें प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलते हैं, राइट। चलिए, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो चीजें आपको नजर नहीं आती, और बट उनका रोल काफी बड़ा होता है। जैसे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आपके इन बैंकिंग सर्विसेज का, उनका लोन फैसिलिटी है। लोन फैसिलिटी, आपको व्हीकल लोन मिलता है, बड़े लोन्स की अगर मैं बात करूँ तो व्हीकल एंड हाउस बिल्डिंग एडवांस, और इन दोनों में ही आपके सिंपल इंटरेस्ट रेट लगती है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 7% के आसपास है सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आप आज अगर आप व्हीकल लें या आप कोई भी घर के लिए आप अपना लोन लें, तो उसमें आप मान के चलिए कि 8 से सभी में प्लस है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अभी आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो ऑब्वियस है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस काफी अच्छे से पता होगा, तो कितना बड़ा डिफरेंस उसे क्रिएट होता है वो काफी बड़ा है, राइट। चलिए देखिए, आप अपने स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये केनरा बैंक के में अभी रिसेंट उन्होंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, उन्हीं का है ये सैलरी स्लिप, जुलाई मंथ की है, लेटेस्ट है। तो इसमें अगर आप देखें तो बेसिक है 23,700, 23,700 बेसिक है। जो अभी रिसेंट जो रिक्रूटमेंट्स आए उनमें भी वही है, इसमें बेसिक वाइज अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो आपका 11th पे सेटलमेंट है वो अभी तक हो नहीं पाया है, राइट। वो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद बेसिक रिवाइज होगा, लेकिन अभी यही है 23,700। डीए जो इसमें जुलाई मंथ में जो था वो 76.04 या 05% था, वही इसमें आ रहा है, लेकिन अभी रिसेंट इस क्वार्टर के लिए 4% बढ़ चुका है डीए, लेकिन इसमें वो इम्प्लीमेंट तब तक नहीं हुआ था तो वो आपको नजर नहीं आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि 23,700 का 4% हो तो वो भी इसमें जुड़ना है, राइट। देन स्पेशल अलाउंस अगर देखें 3,234.52, तो स्पेशल अलाउंस ये है 7.75% ऑफ बेसिक है, देन उसके ऊपर 76% डीए है। दोनों अगर आप मिलाते हैं 7.75% पे अगर 76, तो वो आई थिंक 13.64% बनता है वो बेसिक 23,700 का, तो ये 3,234 रुपए। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, एचआरए इसमें नहीं है, तो एचआरए हो सकता है ये कहीं ऐसी जगह रह रहे हो उस पीरियड में जहाँ हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी हो या कोई, तो एचआरए पेड नहीं, बाकी प्रोबेशन पीरियड में एचआरए जरूर पेड होता है, राइट। तो अगर छोटी सी छोटी जगह भी वो 7.5% के आसपास आपका एचआरए रहता है वो बेसिक, राइट। अब डिडक्शंस का अगर आपने देखें तो एक प्रोफेशनल टैक्स है वो 200 रुपीज है, सभी बैंक्स में यूनिफॉर्म है, 200 रुपये आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है। देन एक ये सीबीओए, सीबीओए क्या है, कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, जो यूनियन है आपकी, या जो आप जब एक बैंक एम्प्लॉय बन जाएंगे तो ये एम्प्लॉयज अप टू क्लर्क लेवल पे भी ये है, और एक ऑफिसर्स की अलग से है, तो इसके इन्होंने 300 रुपए पर मंथ इनके कट रहे हैं। तो 300 को इन्होंने दो भागों में बांट दिया सीबीओए वाले में, 125 तो आपका यूनियन फी के रूप में हो गया, और 175 से एक हायर जनरेट हुआ। आप देखिए सीबीओए बेनेवोलेंट फंड, बेनेवोलेंट फंड क्या होता है, ये आपके लिए एक तरह का अगर किसी भी इन सर्विस, किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग इन द सेंस जैसे किसी की डेथ हो गई होगी, तो उसमें ये लोग हेल्प करते हैं। अब मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि वो उस एट ए टाइम उनको 5 लाख 10 लाख जो भी कोई एक अमाउंट होगी, जो अमाउंट है ये उनको तुरंत पे कर देते हैं उस परिवार को, राइट। तो ये 175
उस हेड में जा रहा। तो एक तरह से अगर आप ये देखें, यूनियन के नाम पे तो आपका 125 रुपए गया, 175 तो फिर भी अपने जैसे इंश्योरेंस भी करवाते ही हैं, तो पार्ट ऑफ इंश्योरेंस होगी एक तरह से, ये एक इंश्योरेंस होगी, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उसके परिवार को ये हेल्प करता है, उसके लिए फंड जनरेट किया जाता है। देन एक जो जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके के लिए जो कटौती है 4,137, ये एग्जैक्टली बेसिक प्लस डीए का 10%। आप देखिए 23,700 और 18,000, आप इनको दोनों का सम करेंगे तो 41,735 आ रहा, और उसका एग्जैक्टली 10% 4,173.57, यही 10% डिडक्शन है। स्पेशल अलाउंस जो है इस पे ये डिडक्शन नहीं है, ये सिर्फ बेसिक प्लस डीए है। और जितना 10% आपने जो इनका इम्प्लॉय का डिडक्ट हुआ, उतना ही इम्प्लॉयर भी इसमें डिपॉजिट करता है, और फिर उसी का जो इंटरेस्ट और वो जो सम जहाँ भी इन्वेस्ट होती है, जो जितनी भी वो फ्लोरिस हो पाती है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको अल्टीमेटली पेंशन मिलती है। तो ये तो आप ये मान के चलिए कि जैसे इनका टोटल 45,000 हुआ, 45 में 4,000 एक तरह से और आप जोड़ लीजिए, तो 49,000 और 1,100 रुपये अभी और ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ये 76-80 हो चुका है, तो ये 50+ सैलरी आपकी यहाँ है ये डिडक्शन से। और एचआरए इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी आप 7.5% इसमें इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कोई ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ एचआरए इसलिए पेबल नहीं हो कि इनको कोई न कोई भी या तो कोई बैंक का कोई क्वार्टर मिल रहा है, और या इसमें कोई हॉस्टल वगैरह क्वार्टर भी मिल रहा होता तो इनका फिर कुछ डिडक्शन में आती वो चीज, वो डिडक्शन में नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें भी फिर वो 2-2.5% ओबेसिक या कुछ वो नॉमिनल सा आई थिंक 3.5% ओबेसिक है इस वक्त, वो आपका डिडक्ट होता है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। इसका मतलब इनको रेजिडेंस तो प्रोवाइड बैंक ने नहीं कर रखा है, बट हो सकता है हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, उस वजह से एचआर इनको पे नहीं कर रहे हैं वो उस जिस पीरियड में ये वहां थे। जैसे ही ये प्रोबेशन क्लियर करेंगे, तो प्रोबेशन क्लियर करने के बाद में जो आपको एक इंक्रीमेंट जो लगना है, भाई 2 साल बाद हुआ तो 2 इंक्रीमेंट लगेंगे, वो तो एक अलग है। इन एडिशन टू दैट एचआरए जो भी पेबल होगा एचआरए और क्या, उस वक्त तो फिर आप पे कुछ जो लीज अकोमोडेशन मिल जाएगी, लीज में छोटी सी छोटी जगह थे, मिनिमम आजकल 8,000 है, और वो 11th जो सेटलमेंट है इसके बाद शायद वो थोड़ी रिवाइज भी हो जाएगी, 8,000 से मोर हो जाएगी, और तो वो मिनिमम एक इन एडिशन टू ये 50+ ये है आपका, वो आप 10,000 एटलीस्ट जोड़ लीजिए, बड़ी जगह पे तो हो सकता है वो 20,000 25,000 भी जोड़े, लेकिन छोटी सी छोटी जगह भी 50+ 10 60+ हो गया, देन आप देखेंगे तो इसमें आपके कुछ चीजें और आई। और चीजों में क्या आई आपके आपका ये एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस आया, पेट्रोल ये भी 1,500 से 2,000 के आसपास आपका पेट्रोल का है, फिर न्यूज़पेपर का है, फिर आपका लॉन्ड्री का है, फिर आपको कई तरह के लोन फैसिलिटी है, जैसे छोटे छोटे लोन भी हैं, जैसे फेस्टिवल एडवांस आपने ले लिया, इंटरेस्ट फ्री होता है वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में, जैसे 8-10 इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट हो गया, तो इस तरह के आपको फर्नीचर के नाम का 1,00,000 रुपये दे दिया, फिर उनके मेंटेनेंस के नाम के भी 1,00,000 है तो उसका ईयरली मेंटेनेंस है, फिर वो 5 साल बाद दोबारा आप इंटाइटल हो जाते हैं उस नए फर्नीचर के लिए, फिर आपका लैपटॉप का भी एक पीरियड है, लैपटॉप परचेज के लिए आपको पैसे देंगे, फिर उसका एक पीरियड है 3 साल 4 साल, उसके बाद दोबारा आप लैपटॉप ले सकते हैं, ब्रीफ केस का भी आपको पैसा मिलता है, फिर आप ले सकते हैं, लीव ट्रेवलिंग कंसेशन भी आप फैमिली आप 2 साल में एक बार कहीं भी जिसके लिए भी आप इंटाइटल हैं आप घूम के आ सकते हैं, तो आपका फेयर जितना भी होगा वो बैंक देगा विद फैमिली, विद दो आपके फैमिली इन द सेंस जो आप पर डिपेंडेंट है, राइट। एंड फिर आपका मेडिकल का जो अलाउंस एक मिलता है, मतलब मेडिकल दो तरह से है, एक तो मेडिकल अलाउंस है फिक्स, जैसे 8,000 रुपये साल के होंगे, उसमें आपको कुछ भी सपोर्ट में कुछ देना नहीं है, एक अगर कोई अनफॉर्चुनेटली आप बीमार हो गए तो आपका इलाज होगा, आप 100% कवर है, आपका जो डिपेंडेंट है वो 75% कवर है, तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा लोनिंग फैसिलिटी जो है वो मैंने आपको बिगनिंग में ही जो आप आपसे चर्चा की, तो इससे आप 50,000 रुपये का जो मत मानिएगा, आप इसको एटलीस्ट आप अगर कंपेयर भी करें तो 80+ का तो जरूर मानिएगा कि 80,000+ का जॉब है, 50,000 का जॉब ये नहीं है। और दूसरा जैसे मैंने बात जब भी आपके साथ वीडियो शेयर किए, एक मैंने एक वो कहा कि आप एक पब्लिक डीलिंग जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं जिनसे हर बंदे का आपसे वास्ता है, तो जो कुछ ऐसी चीजें हैं मतलब आपकी जो गुडविल है वो कुछ अलग हो जाती है, आप एज ए कैनरा बैंक में किसी छोटी जगह अगर
एज ए ब्रांच मैनेजर उसको डील कर रहे हैं, या भले ही आप ब्रांच मैनेजर नहीं किसी सेक्शन को भी डील कर रहे हैं, तो आप जिस भी सोसाइटी में रहेंगे हर आदमी आपसे हाय हेलो करने की कोशिश करेगा, आपसे इंटरेक्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं केनरा बैंक में जाऊंगा और केनरा बैंक में ये मेरी हेल्प करेंगे, राइट। हेल्प ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी उनकी, छोटी सी हेल्प भी उनको बहुत अच्छी लगेगी, राइट। तो भाई भले ही वो आपसे सिर्फ वो बैंक में गए हैं एक अपना, जैसे वो उन्होंने कोई लोन ले रखा है उस लोन के डिटेल भी लेने हैं, उसमें भी अगर आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी आउटराइटली उसके लिए, किसी जो भी डीलिंग क्लर्क है उसको थोड़ा सा कह दिया भाई इनको इनका काम है थोड़ा सा प्लीज प्रायोरिटी पे कर दीजिए, उसी से ऑब्लाइज हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपके होने वाला है। इसलिए कॉम्पिटिशन बड़ा होता जा रहा है, इसलिए मन लगा के स्टडी कीजिए, कोई इफंड बट मत लाइए, वैकेंसी घट रही है वैकेंसी बढ़ रही है। और अभी जो नई वीआरएस की स्कीम एसबीआई लेके आ रहा है उसके बाद वैकेंसीज एक बार बढ़ेंगी, और जैसे ही ये एसबीआई लाएगा मान के चलिए दूसरे पीएसयू भी लाएंगे और यहाँ भी वैकेंसीज बढ़ेंगे, तो आने वाले टाइम में वैकेंसीज एक बार तो लग तो यही रहा है कि वैकेंसीज बढ़नी चाहिए घटेंगी नहीं। जो अभी आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज जो आई वो काफी शॉकिंग थी, लेकिन वो ऐसा सीन रही रहेगा, 1500 वैकेंसी नहीं रहनी है, वो उससे अच्छी खासी एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं तो 6-7 गुना तक तो 8-10 हजार तक तो वैकेंसी वो जानी चाहिए, बट लास्ट ईयर से देखें तो डेफिनेटली रिडक्शन है। लेकिन अगर ये वीआरएस स्कीम जो बैंक लेके आ रहा है आपका एसबीआई, अगर ये सभी बैंक्स लाएंगे तो अपने अगले आने वाले सालों में कुछ इसमें सर्ज नजर आए। जाते जाते फिर वही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, साथ ही चैनल पे रेगुलर आपके क्वांट और रीजनिंग के सेशंस हो रहे हैं उनको भी जरूर अटेंड करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।